क्लास हम लोग का क्या चीज का होगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, है ना। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और हम लोग अभी जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो 2000 ये भाषण जो सीखेंगे वो आपका 2007। तो सबसे पहले ये समझिए कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है क्या, ठीक है। तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है कि नाम से ही इसमें दिखाई दे रहा है कि ऑफिस, तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो काम होता है वो ऑफिसियल वर्क के लिए यूज होता है, ठीक है। यानी कहीं भी किसी भी ऑफिस में जाएंगे तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का यूज होना है। ऑफिस में क्या होता है ना कि एंट्री करने का काम होता है, किसी भी तरह का डाटा एंट्री या लेटर लिखना या एप्लीकेशन लिखना, ये सब सारा काम होता है। और यही काम के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर। तो बार बार जो हम लोग सॉफ्टवेयर बोल रहे हैं तो आप लोग यहाँ पे सॉफ्टवेयर के बारे में तो समझ रहे होंगे ना कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। देखिए सॉफ्टवेयर क्या होता है कि कंप्यूटर में किसी भी तरह का काम करना होता है तो उसके लिए सॉफ्टवेयर चाहिए। यानी बिना सॉफ्टवेयर का हम कंप्यूटर पर कोई भी काम नहीं कर सकते। और कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर होता है वो आपका दो तरह का होता है, एक आपका यहाँ से सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यानी पहला क्या बोले, सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यानी पहला क्या बताया आपका यहाँ से सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा आपका यहाँ से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यानी कहीं पर भी कंप्यूटर पर काम होता है तो इन्हीं दोनों सॉफ्टवेयर में से यूज होता है। तो जिसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम क्या है कि सिस्टम को चलाने के लिए यूज करते हैं। जैसे मोबाइल फोन में क्या होता है ना, जैसे जो एंड्रॉइड का जो रोल होता है, एंड्रॉइड वो मोबाइल का समझिए कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और इसके अलावा उस पर जो एप्स वगैरह यूज करते हैं, जैसे कि एमएक्स प्लेयर यूज करते हैं, यूसी ब्राउजर यूज करते हैं, तो वो क्या है कि एक एप्लीकेशन है। उसी एप्लीकेशन को शॉर्ट में बहुत लोग क्या होता है, ऐप बोलते हैं मोबाइल पर। और वही चीज ऐप जो होता है कंप्यूटर में उसका पूरा क्या होता है, एप्लीकेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर पर किसी भी तरह का काम करना होता है तो उसके लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चाहिए, और सिस्टम को यानी कंप्यूटर को चलाना होता है तो यहाँ से सिस्टम सॉफ्टवेयर चाहिए। और ये दोनों ही यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये हर कंप्यूटर में होता है। जिसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर के तौर पे हम लोग जिस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं उसका नाम आपका यहाँ से विंडोज। इसलिए देखिएगा कि जब भी कोई भी कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो पहले दिखाई देता है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज या विंडोज दिखाई देता है। तो विंडोज का मतलब क्या है कि वो विंडोज क्या है कि एक प्लेटफॉर्म है, एक क्या है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जिसमें कि अभी जो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लिखे वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा जो पेंट ब्रश में ड्रॉइंग करते हैं, फोटोशॉप पे जो काम होता है, या यूसी ब्राउजर कंप्यूटर पे जो नेट चलाने के लिए यूज करते हैं, ये सब सारा आपका क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर में क्या होता है कि एक कंप्यूटर में मात्र दो ही सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक विंडोज और उसको कंट्रोल करने के लिए एक होता है यहाँ से डॉस। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है कंप्यूटर में बहुत सारा होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है कंप्यूटर में बहुत सारा होता है, क्योंकि हर आदमी को अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर का यूज होता है। तो जितना भी तरह का काम करना होगा उतना तरह का क्या चाहिए आपका, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चाहिए, ठीक है। तो अभी हम लोग जो यहाँ से लिखे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये भी क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो इसका मतलब ये है कि अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो इस पर भी हम लोग किसी न किसी तरह के काम को पूरा करेंगे। तो इसमें नाम से ही पता चल रहा है कि ऑफिस, इसका मतलब क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का यूज आपका यहाँ से ऑफिशियल वर्क के लिए किया जाता है। यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का यूज ऑफिशियल वर्क के लिए किया जाता है। और सबसे खास बात क्या है कि इस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है, इस सॉफ्टवेयर को बनाने वाला कंपनी का नाम है ये आपका माइक्रोसॉफ्ट। यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है, जिसमें सबसे पहला बार जो है 1989 में मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जो है आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को लॉन्च किया गया था। 1989 में 1989 में जो है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पर जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को लॉन्च किया गया था। लेकिन हम लोग जो यूज करते हैं ना, हम लोग यहाँ से विंडोज का वर्जन यूज करते हैं। हम लोग जो कंप्यूटर पर यूज करते हैं वो कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, विंडोज।
और विंडोज के लिए जो है पहला बार आपका 1990 में यानी 1990 ईस्वी में जो है विंडोज के लिए जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को लॉन्च किया गया था। और उस समय जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो आपका 3.0 वर्जन आया था। इसके बाद धीरे धीरे 4.0 आया, फिर इसके बाद जो है ऐसे वर्जन जैसे जैसे जमाना बदलता गया उस तरह से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी खुद को बदलता गया। और अभी जो हम लोग यहाँ से यूज कर रहे हैं 2007 यूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से क्या था 2003 था इसके पहले, इसके पहले यहाँ से 2000 था, लेकिन अभी जो तत्काल है यहाँ से 2010 भी है, 2013 भी है और आगे भी है। लेकिन अभी हम लोग मार्केट में जो ज्यादातर यूज करते हैं वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का 2007 वर्जन। तो जो मार्केट में यूज होता है वही वर्जन हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हम लोग चार पैकेज का ज्यादा यूज करते हैं, जिसमें सबसे पहला पैकेज आपका यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007। तो ये जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही सॉफ्टवेयर है, जिसमें हम लोग इसमें क्या करते हैं कि अलग जैसे लेटर लिखना, एप्लीकेशन लिखना, ये सब सारा काम के लिए हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज करते हैं। फिर इसके बाद हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बाद यहाँ से हम लोग एक्सेल पढ़ेंगे, एक्सेल के बाद हम लोग जो है फिर यहाँ से पावर पॉइंट पढ़ेंगे। अब पावर पॉइंट के बाद हम लोग यहाँ से क्या करेंगे एक्सेस पढ़ेंगे। तो ये जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो है इन्हीं चारों एप्लीकेशन का यूज होता है। तो जिसमें क्या होता है कि वर्ड में भी ऑफिस का काम होता है, एक्सेल में भी ऑफिस का काम होता है, पावर पॉइंट में भी ऑफिस का काम होगा और एक्सेस में भी ऑफिस का काम होगा, लेकिन चारों में काम अलग होगा। वर्ड का अलग काम है, एक्सेल का अलग काम है, पावर पॉइंट का अलग काम है और एक्सेस का काम अलग है। जिसका मतलब कहने का मतलब ये है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ये चार एप्लीकेशन हम सीखेंगे और इन चारों का काम अलग अलग है। वर्ड में अलग काम, एक्सेल में अलग काम, पावर पॉइंट में अलग काम और एक्सेस में अलग काम, लेकिन इन चारों का काम एक ही है, एक ही टाइप का है कि ऑफिस के काम को पूरा करना। ठीक है, तो अभी क्या बताए कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हम लोग सबसे पहला पैकेज क्या पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007। इसके बाद क्या होगा कि हम लोग वर्ड पढ़ने के बाद फिर एक्सेल पढ़ेंगे, फिर पावर पॉइंट, फिर एक्सेस, लेकिन अभी हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ेंगे। तो वर्ड क्या है कि डिफिनेशन से पता चलेगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 इज ए फुल फीचर्ड वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। यानी क्या है कि फुल्ली आपका वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, यानी ये ऐसा प्रोग्राम है कि जो कि सारा काम आपका किस पर होता है, वर्ड पर होता है। यानी कहने का मतलब वर्ड से रिलेटेड जितना भी सारा काम होगा वो सब हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे करेंगे। इसके बाद जिसमें कि विच कैन बी यूज्ड फॉर एनी वर्क, जिसमें हम लोग क्या क्या कोई भी काम कर सकते हैं, जैसे क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग टेक्स्ट, जैसे टेक्स्ट को क्रिएट करना और उसको मैनेज करना, जैसे राइट लेटर्स एंड रिपोर्ट, यानी हम लोग रिपोर्ट लिख सकते हैं, लेटर लिख सकते हैं, प्रिपेयर बिल, बिल बना सकते हैं, इनवॉइस बना सकते हैं। ऑफिस का जो काम होता है जैसे लेटर हेड्स बनाना, एनवेलप डिजाइन करना या फॉर्म डिजाइन करना, ये सब सारा काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप ब्रोचर भी डिजाइन कर सकते हैं, पंपलेट पर्चा वगैरह बना सकते हैं, न्यूज लेटर डिजाइन कर सकते हैं और मैगजीन पत्रिका डिजाइन कर सकते हैं। तो ये सब जितना भी ये सब डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर काम ऑफिस में जो होता है वो आपका यहाँ पर लेटर लिखने का काम ज्यादा होगा, हो सकता है रिपोर्ट बनाने का काम भी हो, इसके बाद आपका लेटर हेड्स बनाना, ये नहीं करने का मतलब क्या होता है कि ये सारा काम आप कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर काम लेटर वगैरह, एप्लीकेशन वगैरह, कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, ये सब सारा काम ज्यादा होता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा कि हम लोग माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर पे ओपन कैसे करेंगे वो प्रोसेस देख लेते हैं। इसके बाद ओपन करने के बाद हम लोग को क्या करना है, तो जो भी काम करना है ओपन करने के बाद ही करना है। तो ओपन करने का जो है हम प्रोसेस लिख रहे हैं, जिसमें दो प्रोसेस का यूज करेंगे, एक आपका हम लोग माउस के जरिए भी ओपन कर सकते और दूसरा डायरेक्ट हम लोग कीबोर्ड से भी ओपन कर सकते, वो दोनों प्रोसेस हम लिख रहे हैं। तो जिसमें सबसे पहला प्रोसेस होगा एक ऐसा गोल जैसा सिंबल होगा जिसका नाम होगा आपका यहाँ से स्टार्ट बटन। तो क्या करना है कि जैसे ही कोई भी प्रोग्राम कंप्यूटर में ओपन करना होता है तो हम लोग कहाँ पर जाते हैं, स्टार्ट बटन पे, यानी स्टार्ट बटन पे जाइए और यहाँ से ऑल प्रोग्राम,
स्टार्ट बटन में जाने का मतलब क्या ना कि आपका जो माउस का जो पॉइंटर होता है आपको सीधे स्टार्ट बटन पे ले जाना है और उस पर क्लिक करना है। जैसे उस पर क्लिक करेंगे आपका एक पॉपअप मेनू ऊपर ओपन होगा जिसमें सबसे देखिएगा ना कि एक आपका क्या लिखा हुआ रहेगा, ऑल प्रोग्राम, उस पर आपको जाना है। और एक जो मैक्रो हम लोग जो यूज कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वो बताया है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आता है, तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, ऑल प्रोग्राम में जाके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाना है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाने के बाद हम लोग यहाँ पर क्या क्लिक करना है, यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 इन क्लिक। तो जैसे क्या होगा कि हम लोग यहाँ से ऑफिस स्टार्ट बटन पे गए, ऑल प्रोग्राम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, और जैसे ऑफिस में जाएंगे तो वर्ड भी दिखेगा, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, ये सब सारा शो करेगा, लेकिन हम लोग को क्या ओपन करना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे क्लिक करेंगे आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट ओपन होगा, और जैसे ओपन होगा तो आपका क्या होगा ना कि सामने स्क्रीन दिखेगा और उस स्क्रीन पर आपके सामने एक पेज दिखेगा, और जितना भी हम लोग को सारा काम करना होता है इसी पेज पर करना होता है। जो लेटर लिखना होगा, एप्लीकेशन लिखना होगा, किसी तरह का डॉक्यूमेंट बनाना होगा, इसी पेज पर करेंगे। हाँ, और इस पर वर्क करने के दौरान हम लोग बहुत सारा वर्क करने सीखेंगे। कैसे सीखेंगे, वो मेनू के जरिए हम लोग पढ़ेंगे। ये जो प्रोसेस था वो आपका माउस के जरिए था कि हम लोग किसी भी मतलब स्टार्ट बटन पे क्लिक करके और प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे, फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक करेंगे, फिर वर्ड पे क्लिक करेंगे। अब हम लोग डायरेक्ट कीबोर्ड से कैसे ओपन करेंगे वो लिखते हैं। तो डायरेक्ट कीबोर्ड से ओपन करने का मतलब क्या है कि माउस आपको बिना टच किए कीबोर्ड से एक बटन प्रेस करना है और उसके जरिए आपको ओपन करना है। उसके लिए देखे होंगे कि आपका ना कीबोर्ड में एक ऐसा करके एक सिंबल होगा जिसका सबसे नीचे साइड में देखिएगा कीबोर्ड में, इसका नाम होता है आपका विंडोज, ठीक है, विंडोज का लोगो भी होगा उस बटन में। तो विंडोज बटन के साथ ना आपको क्या करना है कि आर प्रेस करना है। जैसे कीबोर्ड से क्या करेंगे कि विंडोज प्लस आर प्रेस करेंगे तो आपका जो है ओपन रन बॉक्स, यानी एक स्क्रीन पर छोटा सा बॉक्स दिखेगा, उस बॉक्स का नाम होगा रन बॉक्स। उसमें आपको क्या करना है कि आपको एमएस वर्ड ओपन करने के लिए आपको लिखना है WINWORD विन वर्ड, यानी टाइप करना है आपको WINWORD विन वर्ड। जैसे विन वर्ड लिख के आप इंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने एमएस वर्ड ओपन होगा, ठीक है। तो ये था आपका कीबोर्ड के जरिए। फिर हम लोग क्या होगा कि इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इस पर वर्क कैसे करते हैं, हम लोग मेनू का यूज करने सीखेंगे, और उससे पहले एक जो स्क्रीन होगा इंट्रोडक्शन स्क्रीन, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे।